गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा माइनर नंबर 8 है टीएस का। इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एस ब्लॉक, इनके सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द मैक्सिमम टाइप ऑफ द कैटायन इन द वाटर। अब इसमें आपके पास जो है KCl MgCl2.6H2O और एक है K3FeCl। अब इसको अपन आयनाइज करेंगे ना, तो आपके पास पोटेशियम आ जाएगा एक तो, और एक मैग्नीशियम आ जाएगा। दो टाइप के आयन आएंगे इसमें। इसमें अपन आयनाइज करेंगे तो इसमें केवल पोटेशियम ही कैटायन आएगा आपके पास, और इसमें करेंगे तो इसमें भी पोटेशियम आएगा, और इसमें करेंगे तो इसमें एनायन है, कैटायन है नहीं। तो इसमें पूछ रहा है विल गिव द मैक्सिमम टाइप ऑफ कैटायन, यानी किस में सबसे ज्यादा टाइप के कैटायन है। तो फर्स्ट में हमारे पास कैटायन क्या है, सबसे ज्यादा टाइप के, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किलेट कॉम्प्लेक्स। अब इसमें किलेट पूछ रहा है आपको, ठीक है। किलेट का मतलब रिंग फॉर्मेशन, रिंग बनाने वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, वो रिंग बनाते हैं। जैसे 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड है, ये जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आ रहा है कॉपर EN वाइस, मतलब इथाइलिन डाइएमिन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया आपके पास। फिर यहाँ Cl आपका मोनोडेंटेट हो गया, अमोनिया मोनोडेंटेट है, CN मोनोडेंटेट है, तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं ना, उसी में ही कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो फर्स्ट करेक्ट है, किलेट कॉम्प्लेक्स किस में बन रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन, द कंपाउंड ट्राइएमिन डाई एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। तो ये जो हमारे पास है इसका IUPC नेम पूछ रहा है, ठीक है। IUPC नेम से स्ट्रक्चर अपने को बतानी, लेटेस्ट IUPC रूल के अकॉर्डिंग नेम दे रखा है स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले ट्राई एमाइन पूछ रहा है, तो ट्राई एमाइन देखो अमोनिया में 3 आ गए, और डाई एक्वा मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल हो गए, क्लोरीन हो गया। तो जो ट्राई एमिन है वो सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, इसमें एमिन हमारे पास एक ही आ रहा है, इसमें आ रहा है लेकिन इसमें बाद में आ रहा है सिक्वेंस में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, और इसमें भी बाद में आ रहा है। तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर, मतलब हमारे पास ट्राई एमिन डाई एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर -2 -1 ये हो गया, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कोबाल्ट की। तो सेकेंड आंसर। नेक्स्ट, द IUPC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स K2NiCN4H। तो IUPC नेम अपने को इसका चेक करना है। तो IUPC नेम में देखिए, सबसे पहले K2NiCN4 है ना, तो इसमें CN का मतलब टेट्रा आ रहा है हमारे पास। पोटेशियम पहले आएगा, पहले पोटेशियम आएगा, टेट्रा पोटेशियम कभी भी नहीं आता, कैटायन के नंबर अपन कभी नेम में नहीं लिखते। तो हमारे पास टेट्रा वर्ड नहीं आएगा, पोटेशियम आएगा। फिर टेट्रा साइनो निकल, अब इसमें निकल आ रहा है लेकिन इसमें हमारे पास निकलेट आएगा, क्योंकि मेटल जो है वो एनायनिक पार्ट में है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करेंगे तो +2 आएगी, तो +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में आएगी। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ द DMG लिगेंड, यानी DMG लिगेंड की दंतुकता पूछिए। तो DMG डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम जो होता है, ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो हमारे पास देखिए CoEN थ्राइस आ रहा है, तो इसका हम मिरर इमेज बना के देखें, नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब इसमें देखिए, एक सिस और ट्रांस का केस हमारे पास होता है, तो इसमें जो ट्रांस जो होता है ना, वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड अपन लेते हैं इस तरह से, और ये मेटल बीच में कोबाल्ट लिया, ये CL के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, और ये बाइडेंटेट आ जाएगा इधर दोनों साइड में, ये EN है, ये भी EN है। तो इसका अपन मिरर इमेज बनाएंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, हमारा इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट, और सिस जो है वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि इसका मिरर इमेज बनेगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल।
विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो द जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जी आई कौन सा शो नहीं करेगा? तो इसमें NaCO4 जो आ रहा है हमारे पास, देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जी आई कभी शो नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो गए, ये टेट्राहेड्रल है और नॉन प्लेनर होता है ये। इसके बाद में PtNH3 ट्वाइस Cl2, तो ये हमारे पास जो प्लेटिनियम के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में जी आई मे बी पॉसिबल। और इसमें हमारे पास क्या है कि दो टाइप के हैं, जैसे AMA2B2 टाइप का बन रहा है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी बना के देख लेते हैं इसे, जैसे आपने AA BB इस तरह कॉम्बिनेशन बना के देख लो, AB AB इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनते हैं, उससे जी आई पॉसिबल होते हैं, जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उतने जी आई बनते हैं, ये बिल्कुल इजी कोई ट्रिक रहती है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास इसके जी आई बन जाएंगे, फिर हमारे पास ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी जी आई बन जाएंगे, इसमें भी हम इस तरह से पेयर बना के देख लेंगे। और ये जो CONH3Cl3 इसमें भी बन जाएगा हमारे पास, इसके भी दो जी आई बनते हैं हमारे पास, एक फेक आइसोमर बनता है, एक मरा आइसोमर बनता है। तो इसमें हमारे पास पूछा है डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग शो द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, तो हमारे पास देखिए सेकेंड ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है CONH3 क्रोमियम, तो इसमें क्या होता है लिगेंड एक्सचेंज करेंगे और मेटल एक्सचेंज करते हैं, उसके कारण हमारे पास जो आइसोमर जनरेट होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, उनको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। अब देखिए बाकी में हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले दो पार्ट है ही नहीं, जैसे केटाइन वाला है और एनाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स में है, इसमें केटाइन एनाइन दोनों ही क्या होने चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट में होने चाहिए, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखें +3 है इस पर -3 है, इस तरह से दो पार्ट बना लेते हैं अपन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज फ्रॉम फेक एंड मर आइसोमर, फेस आइसोमर और मर आइसोमर। फेस आइसोमर का मतलब ये है कि जब तीनों हमारे पास आइडेंटिकल लिगेंड जो है, जैसे यहाँ पर कोई मेटल आ गई आपके पास, जैसे A A A B B B, यानी तीन जो हमारे पास लिगेंड जो होते हैं ना कंटिन्यूसली एक ही इस फेस पर आते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं अपन फेस आइसोमर। और जब तीनों पोजीशन मतलब तीन लिगेंड आइडेंटिकल होने चाहिए और कंटिन्यूस एक ही फेस पर आने चाहिए वो फेस आइसोमर होते हैं, और इनमें से मान लो कोई भी लिगेंड अपन एक्सचेंज कर लेते हैं ऐसे इंटरचेंज कर लेते हैं तो मर आइसोमर मेरिडोनियल आइसोमर बनता है, एक फेशियल बनता है एक मेरिडोनियल बनता है, मतलब एक ही फेस पर होते हैं उसमें और मेरिडोनियल में अलग फेस पर चला जाएगा। तो हमारा आंसर जो है इसमें आ जाएगा आपका थर्ड ऐसा केस दिख रहा है MA3B3 टाइप का केस है, तो जी आई बनेंगे इसमें, दो जी आई बनेंगे और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD, मतलब MABCD टाइप का आपके पास चार मोनोडेंटेड लिगेंड है डिफरेंट आ गए, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये मेटल आपके पास आ जाती है, तो इसमें क्या वन बाई वन, जैसे मान लो ए के सामने आप जैसे मान लो बी लेके आ गए एक बार, फिर ए के सामने आप जैसे मान लो यहां बी लाए, अब आप डी ला सकते हो, तो हमारे पास देखो अब ए के सामने आप सी लेके आ जाइए, इस तरह से हमारे पास ये कितने बन जाएंगे, तीन बनेंगे, थ्री जी आई बनेंगे इसमें, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। द ईएन ऑफ द FeCN6 3, यानी ईएन का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं अपन, सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो मेटल का जेड निकाल लेते हैं, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद में जो नंबर ऑफ लिगेंड मोनोडेंटेट आ रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड,
इसमें हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे सबसे पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो यहाँ Fe है, Fe 26 हो गया, 26 में से 3 निकाल दिए तो 23 हमारे पास बच जाता है, तो 23 ये हो गया। इसके बाद लिगेंड हमारे पास कितने हैं, ये है 6, 6, तो 2 × 6 ये कर देंगे हम, तो ये हमारे पास हो गए 12 और 23, तो 35 आ जाता है हमारे पास, तो EN क्या हो गया इसका 35, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ CR प्लस 3 अकॉर्डिंग टू एक्वस मीडियम, मतलब CFT के अकॉर्डिंग अपने को पूछा है, तो CFT के अकॉर्डिंग अपन ये कहते हैं कि डी ऑर्बिटल जो होता है ना उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल है, एक है T2G और एक होते हैं EG। T2G में हमारे पास 3 ऑर्बिटल इस तरह से आ जाएंगे और EG में हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें, क्रोमियम प्लस 3 है ना, तो डी के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे, यहाँ पर कॉन्फिगरेशन जो आता है 4s1 3d5 होता है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका, और एस में डी में से भी हमारे पास 2 निकल जाएंगे, तो डी में हमारे पास कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और तीनों इलेक्ट्रॉन ये T2G में चले जाएंगे, तो T2G में हमारे पास हो जाएंगे 3 और EG में जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन। EG में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा कॉन्फिगरेशन जो है वो सेकेंड आ जाएगा। और अपन ये कहते हैं भी हाफ फिल T2G ऑर्बिटल के कारण इसमें क्रोमियम जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है, तो क्रोमियम की जो स्टेबिलिटी भी बताते हैं, प्लस 3 जो है वाटर में ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि हाफ फील्ड T2G स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रू विद रेस्पेक्ट टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन कॉम्प्लेक्स। CFT के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो है कैलकुलेशन अपन करते हैं, और यहाँ पर जो गैप आता है उसको अपन CFSC कहते हैं। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें CFSC ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में क्या होती है, कम होती है, तो हमारा जो सेकेंड आंसर इज करेक्ट, ये गलत हो गया आपके पास, और ये रिलेशन इसमें होता नहीं है, तो सेकेंड इंस में इसमें डायरेक्ट आप रिलेशन ध्यान में रखिए, ऑक्टाहेड्रल की जो CFSC होती है वो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल की CFSC कम होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व द सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग जो है ये जो है मेटल कार्बोनिल में ऑब्जर्व है, मेटल कार्बोनिल में ये मेटल होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसमें, यहाँ हमारे पास क्या होता है फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, और यहाँ ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इसके कारण यहाँ बैक बॉन्डिंग होती है, एंटी बॉन्डिंग इसमें ये वैकेंट होते हैं, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें मिलेगी अपन, मेटल कार्बन, थर्ड आंसर इज करेक्ट। इसके कारण हमारे पास ये जो बॉन्ड ऑर्डर है मेटल कार्बन का वो इफेक्ट होगा, बॉन्ड लेंथ इफेक्ट होगी इसमें, CO बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये जो भी इफेक्ट होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग से। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, तो यहां पर देखो फेरोसिन जो है हमारे पास ये पाई बॉन्डेड है, इसके बाद में ग्रिनार रीजेंट जो है ये सिग्मा बॉन्डेड हो गया, सिस प्लेटिन, तो इसमें हमारे पास पूछा है पाई बॉन्डेड, तो फेरोसिन जो है ना ये पाई बॉन्डेड हमारे पास है, सिस प्लेटिन जो है ये हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड है, ग्रिनार रीजेंट भी सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्डेड है, मतलब जैसे हमारे पास फेरोसिन क्या होता है Fe C5H5 का होल ट्वाइस, ये होता है हमारे पास, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, तो इसमें आप ये देख सकते हो पाई बॉन्डेड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना वो यूज होता है, और सैंडविच कंपाउंड भी बनता है इसमें। ये सिग्मा बॉन्डेड ने बोल के अपन को बोलेंगे पाई बॉन्डेड या फिर सैंडविच कंपाउंड, तो फेरोसिन हमारा है। सिस प्लेटिन में तो क्या है आपके पास जो प्लेटिनियम होता है और 2 क्लोरीन जैसे अपने पास आ जाते हैं एक सिस पोजीशन पर एक ट्रांस पोजीशन पर, तो सिस प्लेटिन में सिग्मा बॉन्डेड है, ग्रिनार रीजेंट RMGX होता है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट।
एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO4 इज 35, हेंस द लेस स्टेबल, इट अटेन द स्टेबिलिटी बाई। देखिए अब इसका हमारे पास जो कोबाल्ट है ना, इसका EAN हमारे पास आ रहा है 35। अब जिनका EN 36 होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा हमारे पास। यानी ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करते ही इसका जो EN जो होगा वो हो जाएगा 36। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो एक प्रोसेस तो ये स्टेबिलिटी के लिए रिडक्शन प्रोसेस कर सकता है। दूसरा हमारे पास डाइमराइजेशन की बात करें तो डाइमराइजेशन के केस में ये 2 और ये 4 की जगह 8, ये डाइमराइजेशन कर दिया। तो डाइमराइजेशन करने से क्या होगा कि इसके पास जो स्ट्रक्चर है इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे ना, तो कोबाल्ट का हमारे पास हो गया 27, और ये हमारे पास यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप, ऐसे यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 27 और 3 ये हो गए हमारे पास 30, और यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन काउंट करने आपको तो ये हो गया 36। तो यहाँ इसका EN जो आएगा वो कितना आएगा, 36 हो जाता है। तो दोनों केस में हमारे 36 आ रहा है, डाइमराइजेशन से भी रिडक्शन से भी। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड का आपको स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो ये आपको पास जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, यानी जो CFSE के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एक अरेंजमेंट होता है हमारे पास लिगेंड का, तो हम उसको बोलते हैं CFSE। और CFSE के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्ट्रेंथ देखें तो सबसे पहले Cl और फ्लोरिन जो है हेलोजन वीक लिगेंड होते हैं, और CN जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन वाले कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है, उसके बाद में यहाँ नाइट्रोजन और उसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन आ गया। तो ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जो याद रखने वाला है। IUPAC नेम ऑफ द H2PTCl6, तो ये भी एक वेल पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें हमारे को क्या पूछता है, नेम पूछता है एसिड का। ये कॉम्प्लेक्स एसिड होते हैं, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स एसिड। देखिए कॉम्प्लेक्स एसिड में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लिगेंड की नेम आती है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक, और ये मेटल जो है नाइनिक पार्ट में इक आएगा, प्लेटिनिक पार्ट आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो ये जो सेकेंड आंसर इज करेक्ट है। कभी भी डाई हाइड्रोजन नहीं आएगा, डाई हाइड्रोजन में देखो दोनों ही कैंसिल हमारे पास, और यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है फोर्थ में प्लेटिनम, और ये प्लेटिनिक है, ये प्लेटिनिक होता है हमारे पास। तो सेकेंड आंसर जाएगा हमारा। नेक्स्ट Fe(H2+3) एंड Fe(CN6) डिफर इन, ये दोनों जो है वो किस में भिन्न है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर देखें दोनों का सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों का सेम है, और स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर 6 के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑक्टाइडल ज्योमेट्री बनती है, ये भी सेम है, लेकिन मैग्नेटिक नेचर जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि आपके पास देखो इधर वीक लिगेंड है और इधर हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, इसमें पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें अनपेड जीरो हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक नेचर जो है दोनों का डिफरेंट आएगा, एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। व्हिच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई Na+2 आयन। देखिए प्रैक्टिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में निकल प्लस टू जो आयन होता है ना, निकल प्लस टू आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों DMG लेते हैं, यहां अमोनिया सॉल्यूशन ले लेते हैं और प्लस DMG इसमें मिक्स कर देते हैं।
तो यहां पर निकल का क्या है, कॉम्प्लेक्स बनता है Ni DmG का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका जो है वो रेड कलर का पीपीटी आता है DmG का, तो ये निकल प्लस टू आयन का आइडेंटिफिकेशन करता है और ये काफी स्टेबल भी होता है। इसमें दो एच बॉन्डिंग भी होती है और दो रिंग भी बनती है, टोटल रिंग इसमें चार अपन बताते हैं, तो दो एच बॉन्डिंग से और दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बनती है, तो ये इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिम जो है वो काम में आ जाएगा आपका। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 टू -5.9 बोर मैग्नेटॉन ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहां निकालोगे तो ये आ गए आपके पास प्लस टू, और प्लस टू के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 4s2 3d5 होता है नॉर्मली, तो यहाँ से ये s वाले इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, 3d5 बचेगा आपके पास। तो d में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पांच होंगे, और पांच होंगे लेकिन ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें हमारे पास जो है आउटर ऑर्बिटल ही यूज होंगे, ठीक है। तो हमारे एक s आ जाएगा 3p, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। विच इज ए डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, कौन सा डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय कॉम्प्लेक्स है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से अपन चेक करते हैं, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ना n जो होते हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन मान लो जैसे जीरो है तो वो डायमैग्नेटिक होगा बच्चों, और n नॉट इक्वल जीरो तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक अपन इस तरह से चेक कर लेते हैं। लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करेगा, देखो पहले में वीक फील्ड लिगेंड है, दूसरे में वीक फील्ड है, और तीसरे में हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक तो सेलेक्ट कर लेंगे हम, एक तो डायमैग्नेटिक पूछ रहे हैं। अब दोनों में इनमें देखिए चेक करिए, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का है प्लस थ्री और इसमें है प्लस टू, तो यहाँ प्लस टू होते ही यहाँ एस डी सिक्स हो जाता है और इधर हमारे पास क्या डी फाइव हो जाता है, तो हमारे को क्या चाहिए यहाँ पर इस तरह का कॉम्प्लेक्स चाहिए एफ ई प्लस टू, तो इसमें हमारे पास डी में क्या है इलेक्ट्रॉन आपके पास सिक्स है ना, तो यहाँ दो आपके पास इनर वाले खाली हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। सिक्सटी एट, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले हमारे को पूछा है टी आई एच टू सिक्स प्लस थ्री इज ए कलर्ड कॉम्प्लेक्स, तो ये एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 है, तो एस के इलेक्ट्रॉन दो निकाल दो और डी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो डी में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा आपके पास, तो ये इसमें डी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको अनपेड, तो ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हम, मतलब 4s1 3d2 होता है, तो डी में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें। फिर हमारे पास आता है सिलिकन H2O4+ कलरलेस, तो सिलिकन के पास यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। डी डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल इन SiH2O4 कॉम्प्लेक्स आयन, सही इसमें डी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं, तो मतलब क्योंकि ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर आ रहा है तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस मतलब सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है। Which of following है the longest CO bond length, free CO bond length जो है 1.128 angstrom दे रखी है, तो इसमें हमारे पास क्या synergic bonding और back bonding का concept आता है, जैसे metal अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये example, ये vacant orbital है, ये इसमें metal के filled orbital होते हैं, ये back bonding होगी, ये anti bonding आपके पास vacant पड़ा है। तो इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, तो यानी जैसे
जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी ना, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सीओ बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किस में कम होगा, तो मेटल पर जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो पहली बात तो देखिए, नेगेटिव वाले दो ऑप्शन आपके पास आ गए। अब लेकिन ज्यादा नेगेटिव किस में है, फोर्थ में। दो नेगेटिव आ रहा है, इस पर एक ही नेगेटिव आ रहा है, तो मोर बैक बॉन्डिंग। तो हम ये कहेंगे कि मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग, और मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग मीन्स लेस सीओ बॉन्ड ऑर्डर और मोर बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास फोर्थ आंसर इज करेक्ट, 70 नंबर। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी फॉर द हाई D4 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स इच। देखिए ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी जो है कैलकुलेशन करते हैं, इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाता है -0.4 इंटू, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे T2g में और Eg में, तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, एन T2g आ जाएंगे, और प्लस 0.6 इंटू एन Eg, और प्लस हमारे पास होता है Np, मतलब पेयरिंग एनर्जी। इन तीनों को मिलाकर के हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास D4 वाला केस आ रहा है, D4 में पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी, जीरो हो जाएगी यहाँ। तो फिर T2g में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, T2g में जाएंगे इसमें 3 और Eg में जाएगा 1। पहले CFT के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3, तो ये हो गया हमारे पास -1.2 हो जाएगा, और इधर 0.6, और Eg में इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1, तो ये हमारे पास बच गया -0.6, और आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख देते हैं साथ में। तो ये हमारा फोर्थ आंसर इज करेक्ट, 4 and PDCl 4 respectively। तो ज्योमेट्री पूछे तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेक कर लेंगे। NaCO4 जो है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हो गया, और sp3 होने से यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। इसके बाद में PDCl4 आ रहा है, देखिए PD ले लो चाहे आप PT ले लो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं इसमें, तो इसमें दोनों का क्या बनेगा हमारे पास, दोनों का तो नहीं, अलग अलग बनेगा, एक में टेट्राहेड्रल आ जाएगा, एक में स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। तो पहला हमारे पास टेट्राहेड्रल बनेगा और फिर दूसरा स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर द MaABCDEFR। अब देखिए ये जो सीधा क्वेश्चन है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 15 बन जाएंगे इसके, 15। इसमें क्या है हमारे पास ABCDEF जो है, जितने टाइप के, जैसे ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल देख लीजिए आप, 90 डिग्री की बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री हमारे पास होते हैं 12, और तीन होते हैं हमारे पास 180 के, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे, और या फिर आप 1x1 देखो, ए के सामने बी लेके जाओ, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे 1x1 कैलकुलेट करते जाइए, कैलकुलेट करोगे तो टोटल मिला के आप 15 आ जाएंगे। तो सीधा आप याद रख सकते हैं इसको। एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, पूछ रहा है सिग्मा बॉन्डेड होता है, पाई बॉन्डेड होता है, और सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। तो फेरोसिन क्या है, पाई बॉन्डेड हो गया, कोबाल्टोसिन ये भी पाई बॉन्डेड हो गया, ग्रिनार रीजेंट ये सिग्मा बॉन्डेड है, रुथेनोसिन मतलब रुथेनियम मेटल आ जाएगा, यहाँ कोबाल्ट मेटल आ जाएगी, यहाँ आयरन आ जाएगा, और वहाँ 5 मेंबर्ड रिंग जो है रहती है साइक्लोपेंटाडाइनल N9। तो यहाँ हमारे पास ये है सिग्मा बॉन्डेड RMGX, और बाकी सारे जो है वो पाई बॉन्डेड है। तो एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड पूछा, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचिंग। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसमें हमारे पास आयरन Fe+2 फॉर्म में होता है,
और साइनेकोबालामिन जो है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, Cu+2। और क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, Mg+2 होता है। इंसुलिन जो है वो पोटेशियम, ये गलत हो गया, इंसुलिन में पोटेशियम नहीं होता, जिंक आयन होता है इसमें। जैसे इंसुलिन क्या हार्मोन है, और इस हार्मोन के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, जिंक आयन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम नहीं होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। विच कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल पूछ रहा है, लेकिन आपको देखो क्या दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। तो यहां जो स्टेबिलिटी जो आएगी ना आपके, स्टेबिलिटी वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहां डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम देख लीजिए किसका आ रहा है, तो थर्ड में देखिए 10^-44 आ रहा है, सबसे कम आ रहा है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बनेगी इसमें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, देखिए ये आ गया हमारे पास एस ब्लॉक का क्वेश्चन। सबसे कम डेंसिटी जो होती है ना वो लिथियम की होती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मास भी बढ़ता है, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, तो नीचे जाते हैं तो आपके पास एटॉमिक मास जो इंक्रीज होता जाता है। तो लिथियम क्या होगा, सबसे हल्का होगा, सबसे लाइटेस्ट लिथियम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं, पोटेशियम की डेंसिटी लिथियम से, सोडियम से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि पोटेशियम का साइज जो होता है ना वो सोडियम से बड़ा होता है, साइज बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, मतलब हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम का साइज एबनॉर्मली क्या होगा, सोडियम से बड़ा होगा, तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। तो डेंसिटी का वेल पॉपुलर क्वेश्चन है ये। Which of following from the lithium is the heated in air? Lithium को आप air में heat करते हो। अब air का मतलब वहाँ पर oxygen भी है, nitrogen भी है। Lithium का size क्या होता है? Small होता है। तो ये क्या करता है? N2 से भी reaction करता है और ये O2 से भी reaction करता है। ये दोनों क्या होते हैं? Air में होते हैं। तो lithium का nitride भी बनता है, lithium का oxide भी बनता है। Li2O हो जाएगा और एक बन जाएगा Li3N, लिथियम का नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों बनेंगे, क्योंकि साइज इसका छोटा होता है। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच एल्कली मेटल द मोस्ट मेटेलिक इन करेक्टर, सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर जो है ना किस मेटल में मिलेंगे आपके पास, देखो टॉप टू बॉटम जाओगे नीचे की तरफ तो आपके पास मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, तो सीजियम जो होता है सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर सीजियम में मिलेंगे आपको, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। ए पेयर ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर इन ए सोल्यूशन, कौन सा पेयर जो है एक साथ सोल्यूशन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए पहला NaSCO3+NaOH है, तो ये जो हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट होता है, तो एसिडिक सॉल्ट और प्लस बेस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब यहां हमारे पास देखिए ये हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट, लेकिन इधर सॉल्ट आ गया तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, सॉल्ट रिएक्शन नहीं करेगा इसके साथ में, और ये दोनों बेस है, दो बेस रिएक्शन कैसे करेंगे, दोनों बेस रिएक्शन नहीं करेंगे। फिर यहां हमारे फोर्थ में सॉल्ट भी है और प्लस बेस है, तो सॉल्ट फिर रिएक्शन नहीं करेगा। तो फर्स्ट में हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है और प्लस बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा आपको और ये बेस रिएक्शन कर लेगा, तो ये दोनों कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। डेड बर्न प्लास्टर इज, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, CSO4.2H2 होता है, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को 120 डिग्री पर अपन हीट करते हैं ना, तो ये बन जाता है CSO4.5H2O, इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बन जाता है। और POP को जब हम आगे 200 डिग्री पर हीट करते हैं तो ये CSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना सारे के सारे वेपोराइज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर। और यदि अपन इसको भी 200 डिग्री से ज्यादा पे हीट करेंगे तो CSO4 फिर वापस फर्दर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड SO2+O2 के अंदर डिसोसिएट हो सकता है। तो यहां हमारे को सीधा डेड बर्न प्लास्टर पूछा है,
तो ये हो जाएगा CSO4, थर्ड आंसर इज करेक्ट। वन मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन मिक्सिंग विद एक्सिस वाटर गिव्स। देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होता है, Mg3N2, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो इसमें एक तो बनेगा अमोनिया गैस, क्योंकि ये आयनिक नाइट्राइड हो जाएगा आपके पास। मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, नाइट्रोजन में -3 है, तो अमोनिया के मोल बन जाएंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। अब देखिए इसमें पूछा NH3 के कितने मोल बनेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ N2 नाइट्रोजन कितने एटम है, दो है ना, तो दो मोल बनेंगे यहाँ पर, ये दो मोल बन जाएंगे। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 3 है, तो इसके कितने मोल बन जाएंगे, 3 मोल बन जाएंगे। अब आप यहाँ वाटर को बैलेंस कर लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 6 लगा दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए एस ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, तो थर्मल स्टेबिलिटी जिसमें मतलब हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं ना, तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं साइज से, और मोर देन वन एटम होते तो उसको देखते हैं अपन आयनिक पोटेंशियल से। तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो देखिए नीचे की तरफ जाएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। तो यहाँ आप जा रहे हो देखो ये इधर, तो ये सीजियम हाइड्राइड जो है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, साइज बड़ा है। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। तो सीक्वेंस से आप ऐसे चेक कर लीजिए। ए सब्सटेंस विच गिव द ब्रिक रेड फ्लेम ब्रेक डाउन ऑन द हीटिंग टू गिव द ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस। देखिए ब्रिक रेड कलर देता है, एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना उसमें एक आता है हमारे पास फ्लेम टेस्ट आता है, ज्वाला टेस्ट, ज्वाला परीक्षण, यानी जैसे अपन इनको बुनसन फ्लेम में गर्म करते हैं ना तो अलग अलग कलर की ज्वाला अपने को निकलती है। तो देखिए ब्रिक रेड जो ईंट जैसा लाल जो अपने को दिखेगा वो कैल्शियम में दिखता है, ब्रिक रेड, और ब्लड जैसा रेड दिखता है आपको स्ट्रॉन्शियम के अंदर, और एप्पल जैसा ग्रीन कलर दिखता है बेरियम के अंदर। और मैग्नीशियम जो होता है वो बुनसन फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करता, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, कैच करके रखता है, पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकते इसके। तो पहली बात तो बुनसन फ्लेम में तीनों कलर शो करेंगे, तो ये तो वैसे आउट हो गया आपका, और इन तीनों में कलर आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम का जो कलर होता है वो ब्रिक रेड होता है। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। और इसको आप हीट करोगे तो NO2 निकलेगी, और NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन, यानी भूरे रंग की गैस निकलती है। तो ये हमारा फोर्थ आंसर इज करेक्ट। पोर्टलैंड सीमेंट इज द कंपोजिशन ऑफ मेनी ऑक्साइड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड इन द पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए सीमेंट आप पता है आपको घरों में आज बहुत ज्यादा यूजफुल है, और सीमेंट का कंपोजिशन अपने को पता होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की सीमेंट क्या होती है। सीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम का ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो 50-60% पाया जाता है, सबसे ज्यादा कंपोजिशन में ये होता है। उसके बाद में हमारे पास होता है सिलिकन का ऑक्साइड SiO2, ये होता है 20-25% के आसपास। इसके बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये अप्रोक्सीमेट होता है 5-10%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो 2-3% होता है, और थोड़ी बहुत अमाउंट में हमारे पास आयरन का 1-2% पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो परसेंटेज होता है पोर्टलैंड सीमेंट में वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर सिलिकन ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कंपोजिशन अपने को ध्यान में रखना होता है इसको, तो ये तो थर्ड आंसर जो है करेक्ट जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट कोवलेंट, कोवलेंट कौन सा सबसे ज्यादा है। देखिए लिथियम का जो है कॉम्बिनेशन आयोडीन के साथ, अपन कहते हैं कि छोटा कैटायन हो और बड़ा एनायन हो तो उसमें कोवलेंट करेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लिथियम तो फिक्स हो गया यहाँ, और आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो हम कहते हैं स्मॉलर कैटायन बिगर एनायन है द मोर कोवलेंट करेक्टर। तो हमारे पास सीधा ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है, फोर्थ ही आएगा इसमें। सोडा एस इज द केमिकली नोन एज, सोडा एस किसको कहते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट होता है ना बच्चों, Na2CO3.10H2 होता है, इसको कहते हैं अपन वाशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा होता है, और अपन इसको बहुत ज्यादा हीट कर लेते हैं ना,
हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में, वाटर मॉलिक्यूल जो सारे सारे वेपोराइज हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं सोडा एस, यानी सोडा राख बोलते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है बेकिंग सोडा होता है जो बेकरी में काम आता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा हो गया आपका, और सोडियम क्लोराइड टेबल सोल्ट हो गया। तो ये इनके पॉपुलर नेम होते हैं, वो नेम आपको ध्यान रखना। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हैलाइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो हैलाइड बनेंगे उनके रिस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो देखिए बच्चों, फ्लोराइड में यहाँ पर क्या होता है, आयनिक करेक्टर ज्यादा होते हैं, और आयोडीन में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं। जिनमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होते हैं ना, उनके एमपी और बीपी हाई होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या है, करेक्ट है। एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पहला हमारा सही जा रहा है। फिर LiCl इज सोल्युबल इन पिरिडिन, ये भी सही है क्योंकि लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट करेक्टर होते हैं, और कोवलेंट होते हैं ना वो कोवलेंट में डिजोल्व होते हैं, यानी सेम डिजोल्व लाइक सेम, समान समान को घोलता है। तो लिथियम क्लोराइड पिरिडिन में घोलेगा, पिरिडिन को मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, और इसमें कोवलेंट और इसमें भी कोवलेंट है। फिर आता है सीजियम आयोडाइड हैज अ लो सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स टू आयंस। देखिए सीजियम आयन का साइज बड़ा है और आई माइनस का साइज बड़ा है, ये बिगर केटायन है और ये बिगर एनायन है। केटायन एनायन दोनों बड़े होते हैं ना, तो वहां पर अपन कहते हैं हाइड्रेशन क्या होता है, कम होता है। हमें कहते हैं जो छोटा केटायन होता है, छोटा एनायन होता है, उसका जलयोजन हाइड्रेशन क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पर केटायन एनायन दोनों क्या है, छोटे हैं। अब केटायन एनायन छोटे होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कम सरेंडर करेंगे, कम सरेंडर करेंगे तो वहां इनकी विलयता जो है वो कम मिलेगी आपको, तो ये लो सॉल्युबिलिटी आएगी, और इसको रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये सही है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। विच हैज द डेलिक्विशेंट इन द नेचर, डेलिक्विशेंट पूछ रहा है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति का। जैसे आपने देखा बारिश के दिनों में नमक गीला हो जाता है, तो नमक गीला होता है ना, अब नमक में होता है NaCl, लेकिन वो NaCl पानी नहीं सोखता कभी भी, ये बात ध्यान रखने की बात है। टेबल सोल्ट बोलते हैं लेकिन NaCl जो है वो पानी नहीं सोखता, क्योंकि NaCl में इम्प्योरिटी होती है वो MgCl2 की और CaCl2 की, यानी सेकेंड जो ग्रुप होता है ना एस ब्लॉक का, उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटी के फॉर्म में पाए जाते हैं। NaCl में MgCl2 और CaCl2 एज ए इम्प्योरिटी होती है, ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके कारण नमक क्या हो जाता है, गीला हो जाता है बारिश में। तो बारिश में ध्यान रखें, नमक गीला होता है वो NaCl एब्जॉर्ब नहीं करता है, NaCl आर्द्रता ग्राही नहीं होता है, इम्प्योरिटी के कारण होता है। तो हमारे पास देखो एक ही आंसर बन रहा है, फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। विच इज करेक्ट हाइड्रेट, देखिए एस ब्लॉक के हाइड्रेट बनाते हैं अपन, तो देखिए सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो जिस ऊपर का साइज छोटा है, नीचे की तरफ जाते हैं साइज बढ़ता जाता है। तो यहां पर आपके पास MgCl2 है, अब इसका साइज छोटा है तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे इसमें। फिर कैल्शियम का साइज यहां पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बेरियम का साइज तो और बड़ा हो गया। अब बड़ा साइज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे उसमें, कम आएंगे तो मतलब दो ही वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, तो दो से काम चल जाएगा इसमें, यहां पर छह से काम चलेगा आपके पास। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, फोर्थ, ऑल आर करेक्ट। अब देखिए बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं उसमें सीजियम जो होता है वो बहुत ही काम आता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है जिनका आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, या मैं कहूँ आयनन विभव जिनका कम होता है ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो सीजियम में मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा है और आईपी क्या होता है, लो होता है इनका, आयनस पोटेंशियल कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।